वर्कशॉप में प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए जब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट में एट अ टाइम काम करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को व्यूअर्स एक ही स्क्रीन के प्लेटफॉर्म में व्यूअर्स आप अरेंज भी कर सकते हैं। इस लेसन में व्यूअर्स में इसी टेक्निक को डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा करने के लिए मैं इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करता हूं व्यूअर्स, और कीबोर्ड से टाइप करता हूं कंट्रोल एंड देन ओ। व्यूअर्स ऐसा करने से आप देख सकते हैं तीनों इमेजेस फोटोशॉप में ओपन हो चुकी हैं। वन बाय वन इन इमेजेस को देखने के लिए व्यूअर्स में इन टैब में क्लिक करूंगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं टैब में क्लिक करके इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में व्यूअर्स मुझे काम करनी होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं व्यूअर्स कि एक ही कॉन्वेक्स एरिया में मैं इन तीनों इमेजेस को देख सकूं। तो ऐसा करने के लिए व्यूअर्स में विंडो के पुल डाउन मेन्यू में से अरेंज के इस कमांड का इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर्स इस कमांड के साथ सब ऑप्शन मौजूद है और उसमें व्यूअर्स अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के डिफरेंट ऑप्शन दस्तियाब है। व्यूअर्स चूंकि इस वक्त मैंने तीन इमेजेस को ओपन की हुई है, लिहाजा व्यूअर्स में तीन डॉक्यूमेंट को आसानी से अरेंज कर सकता हूँ। फोर और सिक्स इस वक्त डॉक्यूमेंट व्यूअर्स स्क्रीन में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये दो ऑप्शन व्यूअर्स इस वक्त डिसेबल है। व्यूअर्स मैं अगर थ्री अप स्टैक के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करूं तो आप देख सकते हैं उन तीनों इमेजेस को व्यूअर्स में इजीली तौर पर आसानी से एक ही स्क्रीन में देख सकता हूं। इसी तरीके से व्यूअर्स अरेंज के सब मेन्यू में से हमारे पास टू अप वर्टिकल का एक ऑप्शन दस्तयाब। व्यूअर्स में अगर इसमें क्लिक करूं आप देख सकते हैं हमारे पास दो पैनल एक्चुअली यहां पर दस्तयाब है, और लेफ्ट साइड पैनल में तवज्जो रखें व्यूअर्स, यहां पर दो इमेजेस आप देख सकते हैं। वन बाय वन व्यूअर्स इन इमेजेस को एक्टिव करने के लिए आप इनके टैब में क्लिक करें। आप चाहें तो फिर व्यूअर्स एक इमेज ड्रैग करते हुए व्यूअर्स आप दूसरे पैनल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स ज्यादातर यूजर्स जो व्यू ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो होती है व्यूअर्स कॉन्सोलिडेट ऑल टू टैब्स का। व्यूअर्स मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट व्यूअर्स डिफॉल्ट सेट हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। व्यूअर्स अगर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट आप एक दिन में मैनी टाइम करते हैं तो फिर व्यूअर्स अपने टाइम को सेव करने के लिए आप इन ऑप्शन के साथ कीबोर्ड शॉर्टकट भी एसोसिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स ऐसा करने पर आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करके व्यूअर्स आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करने के लिए व्यूअर्स मैं एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से कीबोर्ड शॉर्टकट के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स यहां से मैं एप्लीकेशन मेन्यूज के कैटेगरी में जंप करता हूं। व्यूअर्स स्क्रोल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास विंडो का एक मेन्यू दस्तयाब है। व्यूअर्स इसमें राइट हियर ट्राइंगल पर मैं क्लिक करता हूं, और व्यूअर्स मजीद स्क्रोल डाउन करने में आप देख सकते हैं यहां पर वो तमाम अरेंजमेंट के ऑप्शन दस्तयाब है। व्यूअर्स मैं यहां से टाइटल, लेट्स से टाइटल का ये एक अरेंजमेंट का ऑप्शन व्यूअर्स जो मैं मैनी टाइम इस्तेमाल करता हूँ और इसके साथ मैं एक शॉर्टकट एसोसिएट करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए व्यूअर्स में राइट हियर इस ब्लैंक एरिया में क्लिक करूंगा और अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा व्यूअर्स कंट्रोल शिफ्ट टी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल टी एज अ शॉर्टकट टाइल के इस ऑप्शन को एसोसिएट हो चुके हैं, लेकिन फोटोशॉप व्यूअर्स हमें एक वार्निंग दे रहा है कि शिफ्ट कंट्रोल टी इज ऑलरेडी इन यूज, जो कि एडिट के मेन्यू ट्रांसफॉर्म में अगेन ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन व्यूअर्स मैं ये समझता हूं कि ट्रांसफॉर्म को अगेन या रिपीट करने के लिए व्यूअर्स इस शॉर्टकट का इस्तेमाल मैं ऑफन यूज करता हूं, या बहुत ही कम यूज करता हूं, या यूज ही नहीं करता हूं, तो फिर व्यूअर्स मैं इसे चेंज कर सकता हूं। चूंकि टाइल का जो हमारे पास ये कमांड है व्यूअर्स, मैं इसे मैनी टाइम इस्तेमाल करता हूं, तो ये हमारे लिए इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, और इसी तरीके से व्यूअर्स कॉन्सोलिडेट ऑल टू टैब को मैं एक शॉर्टकट एसोसिएट करना चाहता हूं, तो व्यूअर्स मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इसमें व्यूअर्स में टाइप करता हूं शिफ्ट कंट्रोल आर। ऐसा करने के बाद व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने अगेन मुझे एक वार्निंग दी है। इस वार्निंग के तहत व्यूअर्स हमें यह बताया जा रहा है कि ये शॉर्टकट ऑलरेडी यूज में, जो कि फिल्टर के मेन्यू में से व्यूअर्स एक ऑप्शन है लेंस करेक्शन का,
जिसकी शॉर्टकट वीवर्स शिफ्ट कंट्रोल आर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वीवर्स ये ऑप्शन मेरे लिए ऑफन यूज है, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट को रिप्लेस करके कॉन्सोलिडेट ऑल टू टैब्स के लिए एसोसिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वीवर्स ये ऑप्शन मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद वीवर्स मैं ओके करता हूँ। अब वीवर्स मैं अपने शॉर्टकट को टेस्ट करना चाहता हूँ और अपने कीबोर्ड से वीवर्स में टाइप करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल एंड देन टी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने शॉर्टकट टाइप की वीवर्स स्क्रीन में मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स वीवर्स एक ही कॉन्वेक्स एरिया में अरेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से वीवर्स मैं शिफ्ट कंट्रोल आर टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं वीवर्स कॉन्सोलिडेट अरेंजमेंट इस वक्त हमारे स्क्रीन में मौजूद है। वीवर्स कीबोर्ड शॉर्टकट रियली आपके टाइम को सेव करता है वीवर्स, और मैं ये समझता हूँ कि वो ऑप्शन जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, अगर वीवर्स डिफॉल्ट उन ऑप्शन के साथ कोई शॉर्टकट कीज मौजूद नहीं है तो आप जरूर बिल जरूर व्यूवर्स उनके साथ शॉर्टकट कीज एसोसिएट करें और व्यूवर्स अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करें।